आज 28 फरवरी 2022 है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। ये हर साल मनाया जाता है। विज्ञान में प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्र हैं जो प्रकृति का अध्ययन करते हैं। एक जो अलग है वो है भौतिकी। यह वजन, प्रकाश, विद्युत शक्ति आदि का अध्ययन करता है। विशेषज्ञ भौतिक विज्ञानी सीवी रमन ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में प्रकाश के उत्सर्जन की खोज की थी। यही कारण है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सीवी रमन का जन्म 1888 में तमिलनाडु के तिरुचि में हुआ था। कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम करते हुए सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को प्रकाश के उत्सर्जन के प्रभाव की खोज की थी। क्योंकि यह महत्वपूर्ण खोज सीवी रमन ने की थी, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर रखा गया, रमन इफेक्ट। सीवी रमन को उनके काम के लिए 1930 में भौतिकी में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को दुनिया भर में कई लोगों के सबसे बड़े प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। रमन का कार्य आधुनिक विज्ञान में सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि उनकी खोज के बिना आधुनिक विज्ञान आगे नहीं बढ़ पाता। तो हमने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाना शुरू किया? 1986 में NCSTC ने भारत सरकार से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित करने के लिए कहा। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया और उसके बाद इसे हर साल मनाया जाने लगा। तो आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। इस दिन हम क्या करते हैं? बस एक दूसरे को अभिवादन करते हैं? नहीं, स्कूलों में प्रतियोगिताएं, विज्ञान मॉडल बनाना, क्विज, व्याख्यान, प्रदर्शनियां, टीवी कार्यक्रम आदि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। इस दिन का उद्देश्य युवाओं को विज्ञान में रुचि लेने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी।